पशु पालक को एक बड़ी दिक्कत आती है थनेला मस्टाइटिस की, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि ये बीमारी की रोकथाम कैसे करें या पहचान कैसे करें, इससे कैसे बचाव करें अधिकतम तौर पे। तो आप आपका क्या अनुभव रहा, क्योंकि आप कई सालों से डेयरी फार्म करते आ रहे हैं। मेरा अनुभव ये रहा है जी, जब पशु के सबसे पहले बचाव ये होता है तुरंत उसको देखो, तो तुरंत देखने के भी कई कारण होते हैं। कई को 3-4 दिन मैस्टाइटिस आए हुए होते हैं, उसको पता ही नहीं लगता फार्मर को इसका मैस्टाइटिस है। हाँ जी। सबसे पहले वो क्या करेंगे, सोजन आएगा जी। हाँ जी। सोजन आएगा तो आप तुरंत उसका उपचार करो जी। हाँ, उसका जी। देखो उसमें गिट आएंगी। अगर वो सोजन भी नहीं आ रहा तो ज़्यादातर पशु जो थन के हाथ लगाते हैं वो कूद जाता है, यानी कि उंडी में दर्द होने शुरू हो जाता है। उसी दिन से लोग ये कहते हैं भाई इसका नज़र हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कुछ लड़ गया, वो 3-4 दिन ऐसे डिगा देते हैं, फिर वो मैस्टाइटिस भरपूर मात्रा में फैल जाता है। फिर उसका इलाज करते हैं तो फिर वो डॉक्टर 3 दिन टिक्का लगाओगे, 3 दिन में धनी नू कह देगा 3 दिन लगा देते के फर्क पड़ जो मारी गए, लेकिन ऐसा नहीं है जी। वो जब तक बैक्टीरिया पूरे नहीं मरेंगे, चाहे 3 दिन की हो चाहे वो महीना लागू टिक्का, 20 दिन लागू, 10 दिन लागू, क्लियर करना चाहिए। पर लेकिन जमींदार अगर 10 दिन डॉक्टर जिस घर में आएगा तो गाय की कीमत लिख कर चल देगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले इसको डीवर्मिंग हर 3 महीने में देनी चाहिए जी। अच्छा, डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों की दवाई। कीड़ों की दवाई। ये सभी बीमारियाँ पेट से होती है। अच्छा जी। हाँ, पेट जिसका हाजमा सही होगा, तंदुरुस्त होगा। हाँ जी। वो सबसे बढ़िया काम है जी। अगर इसके पेट में कमी होगी, बद हजमी हो जाएगी, ओवर फीड भी नहीं करनी चाहिए जी। हाँ, कई बार क्या होता है पशुओं को ज्यादा चरा देते हैं। हाँ जी। ज्यादा चराते पाचन क्रिया नहीं चाहिए, पाचन क्रिया नहीं होगी लीवर कमजोर हो जाए, लीवर कमजोर होने के बाद सारी बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी शुरू होती है। मेन बात यह है लिमिट की डाइट दो, लेकिन डाइट अच्छी दो। अच्छी दे। मेन बात यह है, मतलब पेट से शुरू होती है मस्टाइटिस। मस्टाइटिस पेट से शुरू होता है। लोग कहते हैं भाई इसका साफ सफाई रखो, साफ सफाई तो रखनी है। देखो ये तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँ साफ सफाई जितनी जिससे भाई से हो उतना रखो। कई बार पशु ब्याता है, ये ब्याने के बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं, जैसे आम आदमी कहते हैं भाई इसके जैसे दूध निकालते हैं, दूध निकालने के 1 घंटे बाद में बैठने मत देना, इसके टिश्यू खुले हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बैठते ही टिश्यू खुले होते हैं और बैक्टीरिया अंदर चढ़ जाते हैं। ये तो बात सही है। हाँ जी। लेकिन इसका मेन कारण कई भाई नू कह दी, बोले यार मेरे तो पहलवान बछिया या कटड़ी भी आई है, वो तो उसका टिश्यू खुला ही नहीं। बिल्कुल सही, खुले ही नहीं है। उसके खुले ही नहीं है, फिर उसके ब्याते ही मैस्टाइटिस कैसे हो गया। बिल्कुल। इसका तो अपोजिट होगा ना, अपवाद होगा ना। बिल्कुल। लेकिन वो भी एक कारण है। वो क्या है, तो पेट का ही कारण है। उसके पेट में कीड़े होते हैं। हाँ जी। और कीड़े जिसके पेट में होते हैं उसे बद हजमी होती है। हाँ जी। इसलिए वो मैस्टाइटिस। डॉक्टर साहब, मैस्टाइटिस का चलो हो जाता है किसी पशु में, तो फिर सावधानियां क्या रखें, डॉक्टर को बुला के या फिर खुद फार्मर भी कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? फार्मर तो ट्रीटमेंट, आजकल डेयरी फार्म वाले तो सभी डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ जी। वो तो डॉक्टर से राय ले लेकर खुद ही टिक्के लगाते हैं, खुद ही कर लेते हैं काम। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के पास आती है, डेयरी वालों के पास इतनी नहीं आती, उनको ज्ञान हो जाता है भाई मैस्टाइटिस आते ही तुरंत इलाज हो जाता है, 2-3 दिन में। हाँ, हो जाता है। लेकिन ये उनको आती है जो फार्म में 1-2 पशु रखते हैं ना। हाँ जी। वो तो उनको तो यकीन नहीं आता है क्या हो गया, 10-10 दिन तक यार हमारी भैंस तो कम दूध देने लायक देना क्या होएगा, लेकिन उनको इस बातों में ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ले तो मैं उन भाइयों के लिए बताऊँ जो 1-2 पशु रखते हैं। हाँ जी, वो जब भी पशु अलबाज करे दूध निकालने में, या दूध में छीछड़े आ जाए, हाँ जी, या खून आ जाए। हाँ जी। या उंडी पे सोजन आ जाए। एक देखो दो मैस्टाइटिस होते हैं, एक तो आंखों से देखते ही पता चल जाता है इसकी उंडी पे सोजन आ गया, खून आ गया, थनेला या इसके वो छीछड़े आने लग गए। हाँ जी। या पशुआड़ करने हुए। हाँ जी। एक मैस्टाइटिस दूसरा होता है जो देखे आंखों से नहीं देखा जाता है, उसका धीरे धीरे दूध घटने लग जाता है अचानक। अच्छा। वो क्या कहेंगे यार मेरे तो दूध ही बहुत ज्यादा घट गया, क्या बात होगी, बेरो कुन्या अगर तो दांव चरा रहे हो छू नहीं। हाँ। वो जब दूध तुरंत कम करे तो तुरंत चेक करो उसका बुखार टेम्परेचर वगैरह नापो। अच्छा। अगर वो अभी नहीं है तो तुरंत लैब में दूध टेस्ट कराओ, वहां उसको तुरंत पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। लेकिन वो एक महीना तक ध्यान नहीं करी। हाँ जी, हाँ जी। एक महीना बाद में फिर वो बिल्कुल ड्राई टाइम मच जाए, फिर उसका दूध भी नहीं बढ़ा जी दोबारा। दूध नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसे ही पशुपालक है ना, ये इस मार्ग में आते हैं जी। अच्छे अच्छे। मेन बात तो ये होती है, मतलब पशुपालक जब भी ऐसे लक्षण लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट, तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो। कंसल्ट करो जी। और इसका पेट की विशेष ध्यान रखो, बद हजमी नहीं होनी चाहिए इसको। टाइम टाइम पे मीठा सोडा और गुड़ और हल्दी हफ्ते में 1-2 बार जरूर दिया। कितनी कितनी मात्रा देनी चाहिए ये? कम से कम भी एक पशु को 200-250 ग्राम तो मीठा सोडा। हाँ जी। और उसमें 50 ग्राम के लगभग हल्दी। हाँ जी। और ये गुड़ कम से कम भी 1/2 किलो। हाँ जी। ये इसको महीने में 4-5 बार जरूर दो, इससे हाजमा सही रहता है। हाजमा सही रहता है। हाँ, जिसका हाजमा सही है सभी बीमारियां पेट से शुरू होती है, चाहे आदमी हो चाहे पशु हो। हाँ जी। जिसका पेट तंदुरुस्त है तो उसको कोई बीमारी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
बात है। तो डॉक्टर साहब से हमने जानकारी ली मस्टाइटिस के बारे में कि मस्टाइटिस किस कारण से आता है, आने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतें हैं। डॉक्टर साहब ने मस्टाइटिस के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके घंटी के निशान के द्वारा बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी में अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।